दुर्ग नगर निगम ने 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट के सैंप वेल की सफाई के लिए लिया गया एक दिन का शटडाउन। मंगलवार को निगम के 18 वार्डों में जल सप्लाई हुई बाधित। बुधवार से सभी वार्डों में सुचारू रूप से शुरू की जाएगी जल सप्लाई। दुर्ग नगर निगम के 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट के समवेल सफाई के लिए दुर्ग निगम द्वारा मंगलवार को एक दिन का शटडाउन लिया गया, जिसके तहत प्रथम पाली में पेयजल आपूर्ति किए जाने के बाद 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट के समवेल की सफाई की गई। इस कार्य से निगम के लगभग 18 वार्डों में मंगलवार की शाम पेयजल आपूर्ति बाधित रही, जिसकी जानकारी देते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे व जल कार्य प्रभारी संजय कोहले ने नागरिकों को इस असुविधा के लिए खेद प्रकट किया और शहरवासियों से अपील की कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार सुबह ही पानी का संग्रह कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार से निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।